एक्साइज टू पॉइंट फोर एकदम ही ज़्यादा ईजी है लेकिन एक्साइज स्ट करने से पहले आपको ये बेसिक प्रॉपर्टीज आना चाहिए आप कॉमन सेंस लगाओगे ना तो आराम से समझ जाओगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल इसको देखो आप इसको वैन डायग्राम की हेल, हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं ठीक है ठीके? ये रहा U, U यू मतलब यूनिवर्सल सेट और ये रहा A, ठीक है अब क्या बोला A यूनियन U, U मतलब क्या होता है ये कंप्लीट U होता है ठीक है और A मतलब ये है ठीक है तो A यूनियन U क्या होगा यानी कि A प्लस यू क्या होगा कंप्लीट यही आएगा ना आपको ठीक है तो ए यूनियन यू क्या होता है यू होता है अब इसको देखो ए इंटरसेक्शन यू ठीक है ये तो यू हो गया और ये रहा ए अब ए इंटरसेक्शन यू क्या होगा यू तो ये कंप्लीट है ना ये पूरा यू है और ए तो ए इंटरसेक्शन यू क्या होगा ये होगा है ना ऑब्वियसली ए ये भी एकदम ईजी है एसोसिएटिव लॉस कॉम्पिटेटिव लॉस है ना कॉमन सेंस का बात है और ध्यान देने वाला थोड़ा सा ये वाला प्रॉपर्टी आप इसको देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस ए यूनियन ब्रैकेट में फिर बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन फिर ए यूनियन सी सिमिलरली यहाँ पे देखो आप ए इंटरसेक्शन फिर बी यूनियन सी ए तो क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन यहाँ पे आता है और फिर ए इंटरसेक्शन सी ठीक है अब ये वाला भी एकदम ईजी है ए यूनियन फाइ क्या होगा ए ऑब्वियसली है ना ए प्लस नथिंग क्या होगा ए ए इंटरसेक्शन नथिंग क्या होगा नथिंग ध्यान देने वाला ये भी है कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आता है तो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है ठीक है तो सिर्फ ए बचता है ठीक है और ये भी कॉमन सेंस का बात है इसको देखो आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू इसको आप वेन डायग्राम के हल से समझ सकते हो ये तो रहा यू और ये रहा ए ठीक है ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है ए को छोड़ के जितना भी यूनिवर्सल सेट में है ठीक है मतलब ये सब क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट है ना अगर ये ए है तो ए को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट ठीक है तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब इन दोनों को मिला के ये जो दो शेडेड रीजन है इन दोनों को मिला के क्या मिलेगा हम लोग को यू मिलेगा ऑब्वियसली अब इसको देखो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम बना लेते हैं ये रहा ए और ये रहा यू ए को छोड़ के बाकी सब ये क्या है ये ये वाला जो रीजन है ए कॉम्प्लीमेंट ठीक है आप खुद ही बताओ ये ए है और ये सब ए कॉम्प्लीमेंट है इन दोनों में क्या कॉमन है कुछ भी कॉमन नहीं है यानी कि फाइव ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है डी मॉर्गन स्लो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि अगर इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन हो जाएगा और इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन हो जाएगा ओ सॉरी मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया था ठीक है एकदम से ईजी है ठीक है तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं आराम से एकदम इजी एक्सरसाइज है फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ़ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट देन शो ए इज सबसेट ऑफ बी हम लोग ए को कैसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट कॉमन सेंस का बात है ये अगर यू है और ये ए है ठीक तो है, है तो ए इंटरसेक्शन यू ये तो सिर्फ इतना रीज़न है लेकिन यू पूरा ये रीज़न है तो ए इंटरसेक्शन यू क्या मिलेगा हम लोग को ए मिलेगा तो ए को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ऐसा क्यों लिखा है क्योंकि अभी हम लोग यू के जगह में इसको लिख सकते हैं ठीक है तो ए इंटरसेक्शन यू के जगह में हम लोग लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी अभी क्या होगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ठीक है फिर ये वाला यूनियन फिर ए इंटरसेक्शन बी अभी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है फाइव होता है, है ना सिंपल सा बात है ये ए है और ए को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएगा ये ए कॉम्प्लीमेंट तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है कुछ भी कॉमन नहीं यानी कि फाइव यूनियन ए इंटरसेक्शन बी अब इफ नथिंग प्लस ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी ठीक है यानी कि ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी नाउ इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग्स टू ए की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं ए की जगह में हम लोग ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है तो एक्स बी को भी बिलोंग करता है आप इसको वेन डाइवर के हेल्प से समझ सकते हो ठीक है ये रहा ए और ये रहा बी ठीक है और ये रहा ए इंटरसेक्शन बी जो भी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है वो ए को भी बिलोंग करता है और बी को भी बिलोंग करता है इसीलिए अगर एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी हम लोग एक्स बिलोंग्स टू बी भी लिख सकते हैं अब ध्यान से देखो जो भी एलिमेंट ए को बिलोंग करता है वो बी को भी बिलोंग करता है इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी समझ में आएगा ना आपको जो भी एलिमेंट ए को बिलोंग करता है वो बी को भी बिलोंग कर रहा है ठीक है इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी आप इसको वेन डायग्राम से ऐसे समझ भी सकते हो ये रहा ए और ये रहा बी ठीक है यानी कि जो भी एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा वो बी को भी बिलोंग करता है ठीक है क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया है हम लोग को ये शो करना है ठीक है तो लेट ए इज़ सबसेट ऑफ बी इफ एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स बिलोंग्स टू बी क्योंकि ए बी का सबसेट है है ना यानी कि जो भी एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा वो बी को बिलोंग करेगा करेगा इसको आप वेन डायग्राम के हेल्प से भी समझ सकते हो आप ठीक है ये रहा ए और ये रहा बी यानी कि जो भी एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा वो बी को भी बिलोंग करेगा क्योंकि ए बी का सबसेट है ठीक है नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं इफ़ एक्स डेंट बिलोंग टू बी देन एक्स डजेंट बिलोंग टू ए इसका मतलब क्या है मानो कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ठीक है अब ये वाला एलिमेंट बी को बिलोंग तो नहीं करता है ना अब बी को ही बिलोंग नहीं करता है तो ए को कैसे बिलोंग करेगा ये वाला चीज़ हम लोग ने यहाँ पे लिखा है अभी नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं हम लोग इफ एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट then x will definitely belong to what A complement इसका मतलब ये वाला कहाँ पे लाई कर रहा है B complement पे लाई कर रहा है B complement कहाँ से start होता है यहाँ से start होता है ना यहाँ से start होता है वो elements जो B को belong नहीं करता है तो ये रहा B complement और A complement कहाँ से start होता है यहाँ से start होता है A complement ठीक है आप खुद बताओ जो element B complement को belong करता है वो definitely A complement को belong करेगा कि नहीं क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है ठीक है तो जो भी एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा वो तो डेफिनेटली ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा ही करेगा इसका मतलब जो भी एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा ही करेगा इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ठीक है प्रूफ हो गया और इससे कन्फ्यूज मत हो जाना ठीक है कॉम्प्लीमेंट को ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो आपकी मर्जी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए माइनस बी इक्वल टू फाई इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी लेट ए माइनस बी इक्वल टू फाई इसका मतलब इफ एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स बिलोंग्स टू बी ऑल्सो इसको आप कैसे समझ सकते हो मान लो ए कितना है वन टू थ्री ठीक है और बी कितना है वन टू थ्री पता नहीं और क्या क्या एलिमेंट्स है ठीक है तो a माइनस बी क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ पे वन तो यह है यहाँ पे वन है तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे टू है यहाँ पे टू है कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे थ्री है यहाँ पे थ्री है तो कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस बी कितना मिलेगा फाइव मिलेगा इसका मतलब a माइनस बी फाई होने के लिए जो भी एलिमेंट्स a को बिलोंग करता है वो b को भी बिलोंग करना चाहिए ठीक है तभी a माइनस बी इक्वल टू तो फाइव होता है ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है अगर a माइनस भी इक्वल टू तो फाइ इसका मतलब जो भी एलिमेंट्स a को बिलोंग करता है वो b को भी बिलोंग करना पड़ेगा तभी तो a माइनस बी फाई आएगा ठीक है इसका मतलब All elements of A are members of B. Therefore, A subset of B. क्योंकि जो भी एलिमेंट्स ए को बिलोंग करता है वो बी को बिलोंग करेगा और इसी का मतलब क्या है ए इ सबसेट ऑफ बी अब जब भी इफ एंड ओनली इफ दिया जाता है हम लोग को भी प्रूफ करना होगा ठीक है पहले हम लोग ने इसको माना था और ये प्रूफ कर दिया अब इसको मानेंगे और इसको प्रूफ करेंगे ठीक है तो लेट ए सबसेट ऑफ बी इफ एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स बिलोंग्स टू बी क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी बोला है ना जो भी एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा वो बी को बिलोंग करेगा करेगा अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या लिख सकते हैं हम लोग ए लिख सकते हैं ना क्योंकि आप भेन डायग्राम से इसको समझ सकते हो ये रहा ए ठीक है और ये रहा बी ऐसा क्यों क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी बोला ना मतलब जो भी एलिमेंट्स ए को बिलोंग करेगा वो बी को भी बिलोंग करेगा ठीक है तो डायग्राम ऐसा कुछ होगा अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा ए होगा ऑब्वियसली ठीक है ये ए है और ये कंप्लीट क्या है ये बी है और ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा हम लोग को यही मिलेगा ना ठीक है नाव ए माइनस बी इसको कैसे लिख सकते हो आप याद रखना जब भी माइनस को इंटरसेक्शन में चेंज करोगे आप तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ठीक है मतलब ए माइनस बी है ना अब माइनस को इंटरसेक्शन में चेंज करना है आपको तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखो और इस तरफ क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ठीक है अगर फिर से आपको इंटरसेक्शन को माइनस में चेंज करना है तो क्या लिखोगे यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा फिर से ठीक है और आपको पता ही है जब भी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आता है तो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा बी यानी कि माइनस को अगर इंटरसेक्शन में चेंज करना है तो इधर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और फिर से आपको इंटरसेक्शन को माइनस में चेंज करना है तो यहाँ पर फिर से कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ठीक है तो अभी ए के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी ठीक है और फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अब बी इंटरसेक्शन सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आता है फाइव आता है कॉमन सेंस का बात है ठीक है मान लो ये बी है और ये सब क्या होगा बी कॉम्प्लीमेंट ठीक है तो बी और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है कुछ भी नहीं फाइव अब ए इंटरसेक्शन फाइव क्या होगा फाइव ठीक है तो मिल गया ना आपको ए माइनस बी इक्वल टू फाइव अब इसको प्रूव करना है हम लोग को लेट ए माइनस बी इक्वल टू ए इसको माना है इसको प्रूव करना है इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स डजन बिलोंग्स टू बी इसका मतलब जो भी एलिमेंट ए को बिलोंग करता है वो बी को बिलोंग नहीं करना चाहिए तभी ए माइनस बी इक्वल टू ए आएगा इसको ऐसे समझ सकते हो आप ए इक्वल टू वन टू थ्री मान लो और बी इक्वल टू फाइव सेवन नाइन मान लो ठीक है तो ए माइनस बी क्या मिलेगा आपको यहाँ पे वन है यहाँ पे वन ही है तो वन भी आएगा यहाँ पे टू है लेकिन यहाँ पे टू नहीं है यहाँ पे थ्री है लेकिन यहाँ पे थ्री नहीं है तो ये मिलेगा और इसका मतलब क्या है ए ही है ठीक है इसका मतलब जो भी एलिमेंट ए को बिलोंग करता है वो बी को बिलोंग नहीं करने से ए माइनस बी इक्वल टू ए आता है ठीक है इसका मतलब देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी यानी कि ए एंड बी आर डिस ज्वाइंट सेट्स देर ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा फाइव आएगा क्योंकि ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है ना तो इंटरसेक्शन बी क्या आएगा फाइव आएगा इसको मान के इसको प्रूफ कर दिया अभी इसको मानके इसको प्रूव करना पड़ेगा ठीक है तो कॉन्वर्सलीट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव मतलब क्या है ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है इसका मतलब ए और बी क्या है डी सेट है ए disjoint जोइ इसका मतलब ए में से बी को माइनस करने पर यही मिलेगा क्योंकि ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है ना तो ए और माइनस बी करने पे क्या आएगा ए ही आएगा है ना b माइनस ए करने पर भी, भी क्या आएगा B ही आएगा आप समझ रहे हो ना disjoint साइड्स कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो a माइनस बी ए ही मिलेगा आपको ठीक है तो ये मान के ये भी प्रूव कर दिया अभी इसको प्रूव करना है ठीक है तो पहले इसको मान लेते और फिर इसको प्रूव कर लेते हैं ठीक है तो लेट B इज सबसेट ऑफ a इफ x बिलोंग्स टू a यूनियन b इसको प्रूव करना है ना हम लोग को ठीक है तो इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं और एक्स बिलोंग्स टू ए और यूनियन की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे और एक्स बिलोंग्स टू बी एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन की जगह में और और एक्स बिलोंग्स टू बी ठीक है अब इस लाइन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए ऐसा क्यों लिख सकते हैं अब बेहन डायग्राम से समझो इसको यहाँ पे क्या बोला है बी इज सबसेट ऑफ ए बोला है ना यानी कि अगर ये b है तो ये क्या होगा a होगा और यहाँ पे क्या बोला है एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b मान लो कोई भी एलिमेंट मान लो चाहे यहाँ पे बिलोंग कर रहा है या यहाँ पे बिलोंग कर रहा है ठीक है अगर यहाँ पे भी बिलोंग कर रहा है तो ये तो a के अंदर ही है और अगर यहाँ पे भी बिलोंग करता है तो ये a के अंदर ही है ठीक है तो चाहे कोई भी एलिमेंट कहीं भी बिलोंग करे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको एक्स बिलोंग्स टू ए ठीक है क्योंकि बी इज सबसेट ऑफ ए ठीक है तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं जो भी एलिमेंट ए यूनियन बी को बिलोंग करता है वो ए को भी बिलोंग करता है इसका मतलब ये यूनियन बी इज सबसेट ऑफ ए ठीक है सिमिलरली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी सिंपल सा बात है अगर x a को बिलोंग करता है तो a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा ठीक है यहाँ पे देखो मान लो ये एलिमेंट ये a को बिलोंग करता है ठीक है तो a यूनियन b को भी तो बिलोंग करता है क्योंकि a यूनियन b भी ये कंप्लीट है ठीक है तो अगर x a को बिलोंग करता है तो a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा ठीक है तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा वो सब एलिमेंट जो ए को बिलोंग करता है ये वो ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी अब इसको आप इक्वेशन वन मान लो और इसको इक्वेशन टू मान लो ठीक है तो फ्रॉम वन इन टू वट विल गेट दिस इक्वल्स टू दिस ठीक है हम लोग को इक्वल टू शो करने के लिए ऐसा दिखाना ही चाहिए ठीक है अभी ये माना था और ये प्रूफ कर दिया अभी उल्टा करना पड़ेगा कॉन्वर्स ठीक है अभी हम लोग इसको मानेंगे और इसको प्रूव करेंगे ठीक है लेट ए यूनियन बी इक्वल टू ए इफ एक्स बिलोंग्स टू बी पहले बी है ना तो बी से शुरू करना पड़ेगा इफ एक्स बिलोंग्स टू बी देन एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी ऑल्सो है ना अगर कोई भी एलिमेंट बी को बिलोंग करता है तो ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा अब इसको ऐसा भी समझ सकते हो कोई भी एलिमेंट अगर बी को बिलोंग करता है तो ए यूनियन बी को भी बिलोंग करता है ना क्योंकि ए यूनियन बी तो ये कंप्लीट है ठीक है तो अगर कोई भी एलिमेंट बी को बिलोंग तो करता है तो ए यूनियन बी को भी बिलोंग करता है ठीक है तो अभी ए यूनियन बी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं ए यूनियन बी की जगह में हम लोग ए लिख सकते हैं ठीक है तो यहाँ से देख सकते हैं आप जो भी एलिमेंट बी को बिलोंग करता है वो ए को भी बिलोंग करता है इसका मतलब जो बी है वो ए का क्या है सबसेट है हैंस A union B equal to A if and only if B is subset of A. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले वाला जैसा ही। पहले इसको मान लेते हैं और इसको प्रूव कर लेते हैं लेट A subset of B. If x belongs to A intersection B, then x will definitely belong to A. इसको फेन डायग्राम के समझ सकते हो मान लो ए है और ये बी है और ये ए इंटरसेक्शन बी जो भी एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग करेगा ना ए इंटरसेक्शन बी पे वो ए को तो बिलोंग करेगा ही करेगा क्योंकि ये भी तो ए का हिस्सा है ठीक है तो जो भी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है वो ए को भी बिलोंग करता है यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए समझ रहे हो ना आप जो भी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है वो ए को भी तो बिलोंग करता है यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ सबसेट ऑफ ए सिमिलरली If x belongs to a then x will also belong to b aisa ऐसा क्यों क्योंकि is subset सबसेट ऑफ bola बोला ना यानी कि जो भी एलिमेंट A को belong करता है वो B को भी belong करता है ठीक है तो अगर कोई भी एलिमेंट A को belong करता है तो वो B को भी belong करता है क्योंकि ये भी तो B का ही हिस्सा है ठीक है तो if x belongs to A, x belongs to B also. तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b यानी a और b दोनों को बिलोंग करता है इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी ठीक है तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो जो भी एलिमेंट ए को बिलोंग करता है वो ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग करता है यानी कि ए इज़ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ठीक है तो आप इसको वन मान लो और इसको टू मान लो सो फ्रॉम वन इन टू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए ठीक है तो टेक्निक समझ रहे हो ना आप पहले इसको मानो और इसको प्रूफ किया ठीक है और प्रूफ करते हुए हम लोग को पहले लेफ्ट से राइट जाओ और फिर राइट से लेफ्ट आओ ठीक है अभी कॉन्वर्सली भी प्रूफ करना पड़ेगा कॉन्वर्सली अभी इसको मानेंगे हम लोग ठीक है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए और इसको प्रूफ करना है तो पहले हम लोग को इसको मानना पड़ेगा ठीक है इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स विल बिलोंग टू ए की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी ठीक है और अगर ए इंटरसेक्शन बी को एक्स बिलोंग करता है तो वो बी को भी बिलोंग करता है है ना मतलब यहाँ पे जो भी बिलोंग करेगा वो ए को भी बिलोंग करता है और बी को भी बिलोंग करता है तो यहाँ पे हम लोग एक्स बिलोंग्स टू बी लिख सकते हैं अब यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं आप जो भी एलिमेंट ए को बिलोंग करता है वो बी को भी बिलोंग करता है कि नहीं यानी कि ए इज सबसेट ऑफ बी प्रूफ हो गया हैंस A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इफ एंड ओनली इफ A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B. वन का ए तो इजी था बी और भी ज़्यादा इजी है ठीक है मैं पहले भी बता चुका हूँ अगर माइनस को इंटरसेक्शन में चेंज करना है तो यहाँ पे क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट आएगा ठीक है अभी इसको हम लोग थोड़ा सा सजा के ऐसा लिखते हैं ठीक है मतलब इसको आगे लिख देते और इसको पीछे ऐसा लिख सकते हैं सिर्फ ए माइनस बी को आप B- माइनस ए नहीं लिख सकते हो लेकिन A यूनियन B को आप B यूनियन A भी लिख सकते हो और A इंटरसेक्शन B को आप B इंटरसेक्शन A भी लिख सकते हो सिर्फ ऐसा नहीं लिख सकते हो ठीक है तो इसको सजा के लिख दिया अभी हम लोग क्या लिख सकते a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है थीके? अभी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्या होता है फाई होता है ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग ये मान लो ए है और इसको छोड़ के बाकी जो भी है क्या है ए कॉम्प्लीमेंट है ए और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है कुछ भी नहीं यानी कि फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी अभी नथिंग प्लस ये क्या आगा यही आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी अभी उसको सजा के लिखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ठीक है B B अभी जब भी इंटरसेक्शन को माइनस में चेंज करना है तो इधर क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो गया सिर्फ क्या आएगा ये आएगा इक्वल टू हर एक चीज़ एकदम ईजी था अभी इसको देखो माइनस को अगर इंटरसेक्शन में लिखना है तो इधर क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा अब इसको हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सेक्शन ए लिख सकते हैं और फिर से अगर हम लोग को इंटरसेक्शन को माइनस में चेंज करना है तो इधर क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और ये राइट एंड साइड के बराबर है अभी सी को देखो इस बार हम लोग राइट हैंड साइड से कर रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से करने से ये थोड़ा सा टफ हो जाता है ठीक है ए इंटरसेक्शन बी हम लोग को पता है अगर माइनस को हम लोग इंटरसेक्शन में चेंज कर देंगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ठीक है तो अभी नेक्स्ट लाइन में होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन अब यहाँ पे डी मोर्गल स्लो लग जाएगा ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा और यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट अभी क्या करेंगे हम लोग इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फिर ये आएगा यूनियन ठीक है फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट अब इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट ठीक है अभी देखो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कितना होता है फाइव होता है है ना ये तो आप लोग को पता ही है ना ये मानो ए ठीक है ये कितना है ए अब इसको छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट ठीक है अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है कुछ भी नहीं तो यहाँ पे क्या आएगा फाइव यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट ठीक है नथिंग प्लस दिस यही आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट ठीक है अब ये इसको हम लोग ए इंटरसेक्शन ब्रेकेट बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी अभी इंटरसेक्शन को माइनस में चेंज कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ठीक तो है तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो कैंसिल हो जाएगा सिर्फ सी आएगा और ये हम लोग का लेफ्ट साइड है ठीक है अभी डी नंबर को देखो ए माइनस b अभी माइनस को इंटरसेक्शन में चेंज कर देंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ठीक है अभी अगर ये माइनस को फिर से इंटरसेक्शन में चेंज कर देंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा है ना माइनस को इंटरसेक्शन में चेंज करेंगे तो इधर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ना ठीक है अब यहाँ पर डी मोर्गन लो लग जाएगा ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ जाएगा और ये जो इंटरसेक्शन है यूनियन में चेंज हो जाएगा और सी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर भी फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ठीक है फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा ठीक है अभी इसके साथ और ये फिर इसके साथ यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फिर आएगा यूनियन फिर ए इंटरसेक्शन सी आप यहाँ पे देखो अगर हम लोग इंटरसेक्शन को माइनस में चेंज कर देंगे ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ठीक है अभी क्या होगा ए माइनस कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट तो कैंसिल हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी अब यही राइट हैंड साइड है ठीक है हम लोग ने एल एच एस से स्टार्ट किया और आर एच एस तक आ गया ना इसको हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं आर एच एस से स्टार्ट कर सकते हैं और एल एच एस तक आ सकते हैं ना मान लो हम लोग इसको लेंगे इस बार ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी तो अगर माइनस को हम लोग इंटरसेक्शन में चेंज कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं ध्यान से देखो हम लोग इसको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी ऐसा लिख सकते हैं क्यूं? क्यों क्योंकि इसी को हम लोग ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं ना ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन है ना, A intersection, union, ना? फिर ए इंटरसेक्शन सी मतलब इसी वाला चीज़ को हम लोग ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ठीक है ठीके? तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं हम लोग इस इंटरसेक्शन को अगर हम लोग माइनस में चेंज कर देंगे तो इस तरफ क्या जाएगा? आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पे डी मॉर्गन मोर्गनस लग जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यूनियन इंटरसेक्शन भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो क्या होगा ए माइनस कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट ठीक है अभी ए माइनस बी इस इंटरसेक्शन को अगर माइनस में चेंज कर देंगे तो इस कॉम्प्लीमेंट के ऊपर भी क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो क्या मिलेगा ए माइनस बी माइनस सी जो कि एल एच एस है ठीक है अब ई को देखो ए अगर माइनस को इंटरसेक्शन में चेंज कर देंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा सिमिलरली इस माइनस को अगर इंटरसेक्शन में चेंज कर दिया तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ठीक है अभी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इसको थोड़ा सा सजा देते हैं ठीक है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट ऐसा कर लेते हैं अब यहाँ पर माइनस है कि नहीं यानी कि इस इंटरसेक्शन सेक्शन का हम लोग फिर से माइनस में चेंज करना पड़ेगा तो इस इंटरसेक्शन को माइनस बना दो तो इस साइड क्या आ जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ठीक है अब तो डी मोर्गन लॉ लगेगा बी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा और फिर सी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो क्या होगा ए माइनस ये तो बी हो जाएगा यूनियन और ये सी हो जाएगा आर एच एस मिल रहा है कि नहीं ठीक है सिमिलरली आप आर एच एस स्टार्ट करके एल एच एस ला सकते हो क्वेश्चन नंबर टू पे हम लोग को डेफिनेशन यूज करके इसको प्रूव करना है ठीक है पहले इसको प्रूव करते हैं लेट x बिलोंग्स टू a, ठीक है तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A यूनियन B. कॉमन सेंस का बात है मान लो ये A है और ये B है ठीक है और ये U रहा अब देखो कोई भी एलिमेंट अगर A को बिलोंग करता है ना तो तो वो A यूनियन B को बिलोंग करता ही है, करता है ना क्योंकि A यूनियन B क्या है ये कंप्लीट A यूनियन B है तो जो भी एलिमेंट A को बिलोंग करेगा वो A यूनियन B को तो बिलोंग करेगा ही करेगा तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑल द इलेवन डेट बिलोंग्स टू ए विल डेफिनेटली बिलोंग्स टू ए यूनियन बी तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं डेट फोर ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी है ना यानी कि वो सारे एलिमेंट्स जो ए को बिलोंग करता है वो ए यूनियन बी को भी तो बिलोंग करता है ठीक है इसलिए ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमन सेंस का बात है ये रहा ए और ये रहा बी और ये रहा ए इंटरसेक्शन बी अब जो भी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करेगा वो तो ए को बिलोंग करेगा ही करेगा ना ठीक है तो वो वो सारा एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है वो ए को भी बिलोंग करेगा डेर फोर ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पहले हम लोग इसको कंसिडर कर लेते और इसको प्रूव कर लेते हैं, हैं ठीक है फिर बाद में इसको मानेंगे और इसको प्रूव करेंगे ठीक है तो पहले लेट बी सबसेट ऑफ ए अभी नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं हम लोग इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए देन सॉरी इफ एक्स बिलोंग्स टू बी देन एक्स विल डेफिनेटली बिलोंग टू ए क्यों ऐसा है क्योंकि बी इज सबसेट ऑफ ए बोला ना इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा होगा अगर ये बी है तो ये क्या है ए बी इज सबसेट ऑफ ए ठीक है तो इफ़ एक्स बिलोंग्स टू बी देन एक्स विल डेफिनेटली बिलोंग टू ए यानी कि कोई भी एलिमेंट अगर बी को बिलोंग करेगा ना ठीक है तो वो ए को भी बिलोंग करेगा क्योंकि ये तो ए कंप्लीट इतना है ठीक है और बी इतना है ठीक है तो जो भी एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा वो तो डेफिनेटली ए को बिलोंग करेगा तो ना ठीक है क्योंकि यहाँ पे बी सबसेट ऑफ ए बोला है ठीक है अभी नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं इफ़ एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए then x does not belong to B, यानी कि मान लो कोई एलिमेंट यहाँ पे, है ठीक है अब ये तो A को बिलोंग नहीं करता है ना ठीक है ये यूनिवर्सल सेट है मान लो कोई भी एलिमेंट A के बाहर है यानी कि A को बिलोंग नहीं करता है आप A को बिलोंग नहीं करता है तो B को कैसे बिलोंग करेगा क्योंकि B तो सिर्फ इतना है ना ठीक है तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा है अगर कोई भी एलिमेंट ए को ही बिलोंग नहीं करेगा तो वो बी को बिलोंग नहीं करेगा अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख सकते हैं इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट देन एक्स विल डेफिनेटली बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट यह लाइन यह बोल रहा है कि अगर कोई भी एलिमेंट ए कॉम्पलीमेंट को बिलोंग करता है ठीक है एक कॉम्प्लीमेंट कहा से स्टार्ट होता है एक कॉम्पलीमेंट यहां से स्टार्ट होता है ठीक है मतलब ए को छोड़ के बाकी जो रीजन है यूनिवर्सल सेट में उसको एक कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं ठीक है ठीकी? और बी कॉम्प्लीमेंट कहा स्टार्ट होता है बी कॉम्प्लीमेंट यहां से स्टार्ट होता है ठीक है तो इस लाइन का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट अगर ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा ना ठीक है तो वो बी कॉम्प्लीमेंट को तो डेफिनेटली बिलोंग करेगा क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है तो जो भी एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा वो डेफिनेटली बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा ठीक है तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं वो सारा एलिमेंट जो ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है वो बी कॉम्प्लीमेंट को भी बिलोंग करता है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट अभी कॉन्वर्सली भी प्रूव करना पड़ेगा पहले इसको माना था और इसको प्रूफ किया था इस बार इसको मानना पड़ेगा और इसको प्रूफ करना पड़ेगा ठीक है लेट ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट अब इस लाइन का मतलब क्या है ध्यान से देखो ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट बोला है कि नहीं यानी कि मान लो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है ठीक है ये ए कॉम्प्लीमेंट है ठीक है ये सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट और मान लो बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है ठीक है मतलब बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा है ना बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है और ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट पूरा यहाँ से स्टार्ट होता है ठीक है और ए कॉम्प्लीमेंट सिर्फ इतना है ठीक है तो जो ए कॉम्प्लीमेंट है जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो पूरा बी कॉम्प्लीमेंट का सब्सिड हुआ कि नहीं ठीक है इस लाइन का मतलब यही है ठीक है अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं इफ एक्स डजेंट बिलोंग टू देन X doesn't बिलोंग टू B. मान लो कोई भी एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग करता है ठीक है ये तो रहा आपका A और ये रहा B. अगर A कोई बिलोंग नहीं करता है तो B को कैसे बिलोंग करेगा ठीक है तो यही वाला चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखा है अब नेक्स्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट देन एक्स विल डेफिनेटली बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट इस लाइन का मतलब ये ही कि जो भी एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा वो डेफिनेटली बी कॉम्प्लीमेंट को भी बिलोंग करेगा क्योंकि एक कॉम्प्लीमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है ना लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से पूरा यहाँ से स्टार्ट होता है ठीक है तो जो भी एलिमेंट एक कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा वो डेफिनेटली बी कॉम्प्लीमेंट को भी बिलोंग करेगा ठीक है ये वाला चीज़ यहाँ पे बोला है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डेयर फोर ए कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्योंकि हर वो एलिमेंट्स जो ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा वो डेफिनेटली बी कॉम्प्लीमेंट को भी बिलोंग करेगा ठीक है कॉमन सेंस लगा के देखो आप कोई भी एलिमेंट मान लो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है ना कोई भी एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा तो वो डेफिनेटली बी कॉम्प्लीमेंट को भी बिलोंग करेगा क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट यहां से स्टार्ट होता है लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट यहां से स्टार्ट होता है ठीक है तो जो भी एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा वो डेफिनेटली बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा यही वाला चीज हम लोग ने यहाँ पर लिखा है तो प्रूफ हो गया हेंस ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इफ एंड ओनली इफ बी इज सबसेट ऑफ अभी डी को देखो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इफ एंड ओनली इफ इस सिंबल को क्या बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी ठीक है इस इंटरसेक्शन की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं एंड ठीक है अभी नेक्स्ट में हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी फिर से इस इंटरसेक्शन की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं एंड फिर एंड एक्स बिलोंग्स टू सी अभी नेक्स्ट में क्या लिखेंगे हम लोग एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी अब हम लोग इसको ब्रेकेट लगा देते हैं प्रॉपर्ली ठीक है अब तो ब्रेकेट कहाँ पे लगाना पड़ेगा बी इंटरसेक्शन सी बोला ना मतलब तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C. इंटरसेक्शन के जगह में अगर हम लोग एंड लिख सकते हैं तो एंड की जगह में हम लोग इंटरसेक्शन लिख सकते हैं ठीक है तो नेक्स्ट लाइन में होगा x बिलोंग्स टू A एंड की जगह में क्या लिखेंगे इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन तो प्रूफ हो गया डर A ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. ये भी पहले जैसा ही. लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन B इंटरसेक्शन C. इफ़ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू A. अब यूनियन की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं और x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C. अभी नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B. अब इंटरसेक्शन की जगह में एंड x बिलोंग्स टू सी ठीक है यहाँ पे ब्रेकेट लगाना पड़ेगा आप नेक्स्ट लाइन में ठीक है इसको इसके साथ फिर और इसको इसके साथ ठीक है यानी कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b फिर ये वाला एंड यहाँ पे आ जाएगा और फिर से इसको इसके साथ एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c अब यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू a आप और की जगह में यूनियन लिख सकते हैं और फिर b ठीक है और फिर यहाँ पे आएगा एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन c अब नेक्स्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b आप एन की जगह में हम लोग लिखेंगे इंटरसेक्शन a यूनियन c तो प्रूफ हो गया डेफोर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम इजी है लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इफ एंड ओनली इफ अभी क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको ध्यान से देखो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बोला है ना ये रहा ए ये रहा बी ठीक है ये रहा यूनिवर्सल सेट है ना और ये रहा ए इंटरसेक्शन बी अब एक्स कहाँ पे बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी कोई भी जगह में बिलोंग कर सकता है कोई भी जगह को बिलोंग कर सकता है लेकिन ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं करता है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट बोला है ना ठीक है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग एक्स डजन बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे एक्स डजेंट बिलोंग टू ए अभी इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है एंड लेकिन ये डजेंट बिलोंग ही इसलिए वो चेंज होकर क्या हो जाएगा और हो जाएगा एक्स डजेंट बिलोंग टू बी इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और एक्स बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट x अगर a को बिलोंग नहीं करता है है ना मान लो ए है अब एक्स एक्स डजेंट बिलोंग टू ए मतलब एक्स ए को बिलोंग नहीं करता है इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का तो बिलोंग करता है ना मतलब अगर यहाँ पे बिलोंग नहीं करता है तो इधर कहीं पे बिलोंग करता है कि नहीं तो ये वाला चीज़ है ठीक है तो नेक्स्ट में क्या होगा एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और मतलब यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ठीक है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बी इंटरसेक्शन ए अभी माइनस को इंटरसेक्शन में चेंज कर देंगे तो इधर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अभी हम लोग को पता है बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है फाइव इंटरसेक्शन ए अभी फाइ इंटरसेक्शन ए क्या होगा फाइव होगा इक्वल टू आर एच एस ये वाला आपको समझ में आ गया ना मान लो ये बी बी है और ये यूनिवर्सल सेट है और बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है अब खुद बोलो ये रहा बी और बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है तो क्या कॉमन है कुछ भी कॉमन नहीं इसलिए बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है फाइव होता है अभी बी को देखो इसको क्या करेंगे ये इसके साथ और ये इसके साथ यानी कि ए यूनियन ए फिर इंटरसेक्शन फिर ए यूनियन बी अभी ए यूनियन ए क्या होता है ए होता है इंटरसेक्शन ए यूनियन बी अभी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या होता है ए होता है ना आप समझ रहे हो येरा ए और ये रहा बी और ये रहा यूनिवर्सल सेट ठीक है अब क्या बोल रहा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बोला ना ये क्या है ये ए है और ये जो कंप्लीट है ये क्या है ए यूनियन बी है तो क्या कॉमन है ए कॉमन है ठीक है अब राइट हैंड साइड में क्या है ए यूनियन बी है ठीक है तो एल एच एस और आर एच एस मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है इक्वल नहीं है तो एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस इसको आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो यहाँ पे क्या बोल रहा है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बोला है कि नहीं तो आप डायग्राम बना लो ये ए है और ये बी है ठीक है पहले में क्या बोला है ए तो ये कंप्लीट क्या है ए है अब यूनियन मतलब क्या है प्लस फिर ए इंटरसेक्शन बी तो बना लो ये ए और ये बी तो ए इंटरसेक्शन बी ये ठीक है तो दिस प्लस दिस क्या मिलेगा यही मिलेगा ना ए ही मिलेगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी ए पे है ना तो इसको और इसको टोटल करने पे क्या मिलेगा आपको यही तो मिलेगा थोड़ी ना ये यूनियन भी मिलेगा तो एल एच एस एल एच एस नॉटिकल टू आर एच एस हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसको आप ध्यान से देखो यहाँ पे भी ए है यहाँ पे भी ए है यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन ठीक है क्योंकि ये दोनों कॉमन है ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन यहाँ पे कॉमन है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन फिर बी यूनियन और फिर बी कॉम्प्लीमेंट ठीक है क्योंकि अगर इसको आप एक्सपांड करोगे ना तो आपको यही मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ठीक है तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन अब बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यू होता है इसको आप वेन डायग्राम के हेल्प से समझो ठीक है ये रहा बी और ये रहा बी कॉम्प्लीमेंट ठीक है समझ समझोगे और ये रहा यू अब बी और बी कॉम्प्लीमेंट को मिला के क्या मिलेगा हम लोग को यू मिलेगा और ए इंटरसेक्शन यू क्या होगा ए होगा इक्वल टू आर एच एस ये वाला तो समझ में आएगा ना आपको ए इंटरसेक्शन यू एकदम ईजी है ये रहा ए और ये रहा यू ठीक है अब ए में और यू में क्या कॉमन है यही कॉमन है ना ठीक है तो ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए अभी डी को देखो ए माइनस का अगर आप इंटरसेक्शन में चेंज कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा अभी डी मोर्गन लो लगा देते यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट आएगा और यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट आएगा और जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा अब ये इसके साथ और ये इसके साथ यानी कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फिर यहाँ पे आ जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अभी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है फाई ये इसको तो बहुत बार बता चुका हूँ मैं यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ठीक है और फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्योंकि नथिंग प्लस दिस यही आएगा अब इस इंटरसेक्शन का अगर हम लोग माइनस में चेंज कर देंगे तो इस तरह क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यानी कि ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा और यही राइट हैंड साइड में है ठीक है और इसको भी आप इजीली समझ सकते हो ना ये रहा यू ये रहा ए और ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट ठीक है एम में और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है कुछ भी कॉमन ही है ठीक है तो फाइव आएगा अभी ई e को देखो ए अब माइनस को इंटरसेक्शन में चेंज कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा अभी ए इंटरसेक्शन यहाँ पे डी मॉर्गन लो लग जाएगा यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट आएगा और यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट आएगा लेकिन जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा अभी ये इसके साथ और ये इसके साथ यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फिर आएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट अभी इस इंटरसेक्शन का अगर हम लोग माइनस में चेंज कर देंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा फिर यूनियन फिर ए अभी इंटरसेक्शन को माइनस में चेंज कर देंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो ए माइनस बी हो जाएगा ये और यूनियन ए माइनस सी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो कैंसिल हो जाएगा ठीक है और यही राइट हैंड साइड में है अब एफ नंबर को देखो इस माइनस को अगर इंटरसेक्शन में चेंज कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इंटरसेक्शन फिर से वही बोला माइनस को इंटरसेक्शन में चेंज कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा अब इसको, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन सेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे दो दो सी कॉम्प्लीमेंट है है ना तो एक ही लिखने से हो जाएगा तो नेक्स्ट में हम लोग इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट दो दो है ना तो दो क्यों चाहिए एक ही लिख दो फिर इसको हम लोग और सजा के लिख सकते हैं ऐसा करके ठीक है अब ए इंटरसेक्शन बी अब इंटरसेक्शन को माइनस में चेंज कर देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा? आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यानी कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी और यही आ रही जैसे है. अभी फोर नंबर क्वेश्चन देखो इसको मान लेते हैं और इसको प्रूव कर देते हैं ठीक है ठीके? तो लेट ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ठीक है अब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम लोग इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इसको प्रूव करना है ना और यहाँ पे पहले ए है इसलिए पहले ए को मेंशन करना पड़ेगा ठीक है अब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इफ एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉमन सेंस का बात है ये रहा ए और ये रहा बी ठीक है अब जो भी एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा वो तो ए यूनियन बी को तो बिलोंग करेगा ना क्योंकि ए यूनियन बी ये कंप्लीट है ठीक है तो जो भी एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा वो डेफिनेटली ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा अभी ए यूनियन बी के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं ए यूनियन बी की जगह में हम लोग ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं अब जो भी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है वो ए को भी बिलोंग करता है और बी को भी बिलोंग करता है, है ना सिंपल सा बात है ये ए इंटरसेक्शन बी है अब जो भी एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग करेगा ना वो डेफिनेटली ए को भी बिलोंग करता है और बी को भी बिलोंग करता है ठीक है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग वो सब एलिमेंट जो ए को बिलोंग करता है वो बी को भी तो बिलोंग करता है ठीक है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं ठीक है सिमिलरली इफ एक्स बिलोंग्स टू बी देन एक्स विल डेफिनेटली बिलोंग टू ए यूनियन बी है ना अगर बी को बिलोंग करेगा तो ए यूनियन बी को भी डेफिनेटली बिलोंग करेगा और अब यूनियन के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं इंटरसेक्शन क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मान चुके हैं हम लोग अब कॉमन सेंस का बात है जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है वो ए को भी बिलोंग करेगा तो एक्स बिलोंग्स टू ए अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं वो सारा एलिमेंट जो बी को बिलोंग करता है वो ए को भी बिलोंग करता है यानी कि बी इज सबसेट ऑफ ए अब इसको इक्वेशन वन मान लो और इसको इक्वेशन टू मान लो और फ्रॉम वन एंड टू क्या मिलता है हम लोग को ए इक्वल्स टू बी ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी अब इक्वेशन नंबर फाइव देखो इसको वेन डायग्राम के हेल्प से वेरीफाई करने के लिए बोला है ठीक है पहले क्या बोला है ए माइनस बी तो एक सुंदर सा डायग्राम बना लेते हैं ये रहा ए ये रहा बी और ये रहा सी ये कंप्लीट क्या है ए आप ए माइनस बी बोला ना मतलब ए में से ये बी को माइनस कर देना है ठीक है तो सिर्फ इतना बचेगा ठीक है अब यूनियन मतलब क्या होता है प्लासी तो होता है अब क्या है ए माइनस सी तो ये रहा ए बी और सी ठीक है अब ये कंप्लीट क्या है तुम्हारा ए है आप ए में से क्या माइनस कर रहे हम लोग को सी यानि कि ये सब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ठीक है आप इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा ध्यान से देखो क्या मिलेगा अच्छा ये वाला भी शेडेड हो जाएगा है ना मतलब ये तो पहले से शेडेड था ठीक है और ये वाला भी शेडेड हो जाएगा मतलब ये वाला भी शेडेड हो जाएगा मतलब इसको छोड़ के ये सब शेडेड हो जाएगा ठीक है सिर्फ इसको छोड़ के अभी राइट हैंड साइड को देखो क्या बोला ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी तो ये रहा ए बी और सी तो ये कंप्लीट क्या है ये कंप्लीट ए है माइनस बी इंटरसेक्शन सी यानी कि इस बार हम लोग को बी इंटरसेक्शन सी बनाना है ठीक है रहा ए बी सी और रहा ए बी सी तो बी इंटरसेक्शन C सी क्या होता है ये होता है ठीक है अब यहाँ से हम लोग को ये वाला माइनस करना है ठीक है ये कंप्लीट ए है ना अब ए में से हम लोग को ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी माइनस करना है तो क्या मिलेगा हम लोग को मतलब यहाँ से ये वाला पोर्शन हट जाएगा मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन हट जाएगा और यही वाला बचेगा ठीक है मतलब इसको छोड़ के ये सब सेडेड हो जाएगा तो प्रूफ हो गया ना ये रहा ए बी सी और यहाँ ए बी सी तो इतना ही है एक काम करते यहाँ पे प्लस की जगह में यूनियन लिख देते हैं और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं और यहाँ पे इक्वल टू देते और यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख देते हैं ठीक है और यहाँ पे इक्वल टू साइन लिख देते हैं लास्ट में लिख देते हैं फ्रॉम वेन डायग्राम फ्रॉम द एबॉप वेन डायग्राम इट इज क्लियर दैट ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बस अभी सिक्स नंबर को देखो पावर सेट का मतलब तो आपको पता ही है पावर सेट क्या होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ठीक है तो पहले वन को सॉल्व कर लेते हैं ठीक है तो लेट ए इक्वल टू वन थ्री फोर फाइव ठीक है और बी इक्वल टू थ्री फाइव सेवन नाइन ऐसे मान लिया हम लोग ने ठीक है अभी हम लोग को क्या निकलना है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो ए इंटरसेक्शन सेक्शन बी पर क्या क्या कॉमन है थ्री है और फिर फाइव है ठीक है अब इसका सबसेट्स क्या क्या है थ्री होगा फाइव होगा फिर थ्री फाइव होगा और फिर फाइव होगा ठीक है ये इसका सबसेट्स है ये तो निकाल लिया हम लोग ने अभी पावर सेट ऑफ ए निकालना है और पावर सेट ऑफ बी निकालना है तो पावर सेट ऑफ ए क्या होता है इसका जितना भी सबसेट्स है सब लिखना है हम लोग को यानि कि वन थ्री यहाँ पे कितना सर एलिमेंट्स है वन टू थ्री फोर तो टू टू द फोर कितना होना चाहिए सिक्सटीन यानी कि सिक्सटीन सबसेट्स होना चाहिए भाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ठीक है अभी पावर सेट ऑफ बी निकालना है हम लोग को ठीक है तो क्या क्या आएगा इसका सबसेट्स है ना थ्री फाइव पावर सेट ऑफ बी भी निकाल लिया अभी हम लोग को पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी निकालना है ठीक है तो ध्यान से देखो क्या क्या कॉमन है थ्री कॉमन है फाइव कॉमन है और फिर थ्री फाइव कॉमन है और फाइव कॉमन है बाकी कुछ भी कॉमन है ठीक है तो यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे हम लोग थ्री फाइव थ्री फाइव और फिर फाइव तो इन दोनों को कंपेयर करो आप इक्वल है कि नहीं इक्वल है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी अभी टू को देखो लेट ए इक्वल टू वन फोर फाइव एंड बी इक्वल टू फाइव सेवन तो हम लोगों को क्या निकालना है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी ठीक है अब यहाँ पे यूनियन लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को वन फोर फाइव और सेवन पावर सेट मतलब क्या है इसका जितना भी सबसेट बनेगा सब लिखना है हम लोग को ठीक है यानी कि वन फोर पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी तो निकल लिया अभी हम लोग को पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी निकलना है ठीक है अब पावर सेट ऑफ ए क्या होगा इसका जो सबसेट्स है सब लिखना है हम लोग को ठीक है यानि कि वन फोर और पावर सेट ऑफ बी क्या होगा इसका सबसेट्स है ना? यानि कि फाइव सेवेन। अभी इन दोनों का यूनियन निकालना है हम लोग को पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी यानि कि इन सबको मिला के ठीक है लेकिन ध्यान में रखना ये और ये रिपीट ना हो जाए दो बार लिखना नहीं है आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है ठीक है यानी कि वन फोर अब इन दोनों को कंपेयर करो आप यहाँ पे वन सेवन है लेकिन यहाँ पे वन सेवन नहीं है यानी कि ये या दोनों इक्वल नहीं है डेफोर पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी ठीक है